देश की सीमाओं पर तैनात हमारे देश के दुश्मन को मुठभेड़ में घेर कर अपने शौर्य और अदम्य साहस का परिचय देने वाले हमारे देश के जाबाज सेना के लांस नायक अनुज चिकारा को सेना मदद सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलते ही सेना के जवान गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोर शोर से स्वागत सम्मान कार्यक्रम किया। वहीं इसी दौरान सैनिकों ने बयान देते हुए कहा कि उसने जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराया था। इसी तरह से देश के दुश्मनों को मुठभेड़ में मार गिराएगा। वहीं सैनिकों के परिजनों ने बेटे को सम्मान मिलने पर गर्व होने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि बागपत जिले के बिनोली थाना क्षेत्र के बड़ावत गांव में रहने वाला सेवाराम सिंह का बेटा अनुज कुमार चिकारा वर्ष 2003 में सेना में भर्ती हुआ था और इसी दौरान इस जाबाज सैनिक ने वर्ष 2011-2013 के तहत जम्मू कश्मीर के अंतर्गत शोपियों में आतंकी आंटी जी आपका नाम जानना चाहो, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे आपके बेटे ने? अच्छा, कहना चाहूँ मेरे बेटे ने देश के लिए बहुत रक्षा करी। आगे भी जो कुछ भीड़ पड़ी थी बहुत निभा हैं उग्रवादी, जो भीड़ पड़ी थी उन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। जो मेरा बेटा आगे हो भी चाहता है वो भी मेरे बेटे का पूरा देश की रक्षा करी है मेरे बेटे ने। मुझे बहुत खुशी है। जी आपने मुठभेड़ की थी, एनकाउंटर मार गिराए थे, तो क्या किस तरीके से एक बार जानना चाहेंगे? हमने हमारी क्योरिटी को वहाँ पे किसी इलाके में कोडन करने का वहाँ को टास्क मिला था। उसमें हमने जाके बहुत ही जल्दी एकदम क्योंकि एक्शन किया और जाके हमने अपने इलाके का कोडन किया और कोडन करने के बाद में जो उसमें आतंकवादी थे वो कोडन के अंदर थे और वो जैसे घेराबंदी तोड़ने की कोशिश करी तो हमने उनको आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया। अच्छा, जो वे बदमाश जो थे वो आतंकवादी के किस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे वहाँ पर? वो तो पूरा का पूरा हमारे देश के खिलाफ है, हमारे जो वहाँ पे कश्मीर आवाम है उसके खिलाफ है, सबके खिलाफ है। वो तो वहाँ पे शांति नहीं बनने देते और जो लोग शांति नहीं बनने देंगे कश्मीर में वो आतंकवादी हैं, उनको तो हमारा मारने का काम है, उनको मारते रहेंगे हमेशा। आगे भी मेरे को भविष्य में मौका मिलेगा तो मारूंगा जाके उनको दोबारा। अच्छा, आपने इतना अच्छा काम किया, सरकार ने आपको मेडल भी दिया है, तो अब क्या देश के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं देश के लिए कहना चाहता हूँ कि मेरे बहुत ही खुशी की बात है कि मैंने देश के लिए कुछ काम किया और देश ने मेरे को इतने बड़े पद से सम्मानित किया गया। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने घर का, गांव का, अपने प्रदेश का, अपनी मातृभूमि के लिए मैंने कुछ किया। मेरे को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। इसलिए इस तरीके से लड़ते रहेंगे देश के? हाँ, मैं लड़ूंगा अगर मेरे को भविष्य में जरूरत पड़ेगी और जब भी सेना को या देश को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जाऊंगा और लड़ूंगा और अपनी यूनिट का और अपनी आराध बटालियन का और अपने देश का नाम हमेशा रोशन करूंगा मैं। मेरा नाम शिवानंद। शिवानंद जी, आपके बेटे ने नाम रोशन किया, क्या कहना चाहेंगे? मेरा बेटा जन्म से ही जब इसमें होश संभाला तब से ही होनहार है, ये तब से कहता था कि मुझे सेना में भर्ती होना है, सेना में जाना है और मैं सेना में जाकर वो देश के गद्दार हैं जो आतंकवाद फैला रहे हैं उनका मैं मुकाबला करूँगा, उनको मैं निपटाऊँगा, ख़त्म करूँगा। देश की सभी सेनाओं और सभी सीमाओं को सुरक्षित रखूँगा और जहाँ भी कभी मुझे आतंकवादी के लिए मुझे कोई टास्क मिलेगा तो मैं उसको पूरी तन मन धन से पूरा उसका मुकाबला करूँगा और उनको ख़त्म करके ही मैं सोचूँगा। अच्छा, मेडल लेकर के आया, कैसा लग रहा है आपको? सेना ने मेरे बेटे को सेना मेडल से जो है उसको सम्मानित किया है। नॉर्थ कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी जी ने उनको सम्मानित किया। मैं इससे बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरा बेटा देश के लिए काम कर रहा है। सेना ने मेरे देश की सेना ने जो है मेरे बेटे को प्रोत्साहित किया है, उसको सेना मेडल से जो है सम्मानित किया गया
मुझे पूरा गर्व है इस बात का और वो ये गर्व पूरे देश का गर्व है, मेरा गर्व नहीं पूरे देश का गर्व है।